आवाज लगाओगे काम कैसे चलेगा। आपकी अथक मेहनत के परिश्रम से आज मध्य प्रदेश ने देश के अंदर इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जोरदार आवाज के साथ भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और जिन्होंने इतने कम समय के अंदर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया, तो आज जीत का रिकॉर्ड भी उड़ीसा लोकसभा से बनाया है, ऐसे हमने शिवराजी भाई साहब का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी भाई साहब, आदरणीय जमान सिंह पवैया जी, आदरणीय सुरेश भदौरी जी, केंद्रीय मंत्री हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर जी, भाई विष्णु खत्री जी, हमारे आदरणीय महापौर, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और विधायक भाई भगवान दास सोनानी जी, राज्यसभा की सम्मानित सदस्य भाई कविता पाटीदार जी, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री बहन हमारी कृष्णा अग्रवाल जी, और हमारे आज भोपाल के जो 5 लाख ऊपर मतों से जीत करके आज भोपाल में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे हमारे सांसद भाई आलोक शर्मा जी और उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेश पचौरी, सुरेश सुमित पचौरी जी और उपस्थित आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर इतिहास बनने जा रहा है। ये जो जीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिला है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो जनता ने तय किया था कि हम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है वो जनता ने आज उस संकल्प को एनडीए को बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के आज देश के अंदर फिर इतिहास बनने जा रहा है। विकास और गरीब कल्याण को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का आज देश के अंदर जो जनादेश मिला है, इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, तो आज इस लोकसभा के चुनाव में भी इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अपन मेहनत और परिश्रम, हमारा बैठा हुआ जो नेतृत्व है इसने टीम स्पिरिट के साथ, चाहे माननीय हमारे मनोहर यादव जी होंगे, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान होंगे या हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम से जो आज इतिहास बनाया है, तो विकास और गरीब कल्याण के साथ डबल इंजन की सरकार ने देश के अंदर प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व ने किया है, आज मध्य प्रदेश ने कोने कोने के अंदर आज इतिहास बनाया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप जो सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन और हमारी सरकार ने मिलकर के जो काम किया है कि जो तय किया था कि 60% को हर बूथ पर बढ़ाएंगे, फाइनल परिणाम आते आते तक मुझे विश्वास है कि हम इस बार 10% वोट शेयर में मध्य प्रदेश के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करने का काम आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश से प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं को जो पन्ना प्रमुख से लेकर पन्ना समिति बूथ समिति से लेकर हमारे सभी नेतृत्व में हर बूथ पर जो काम
अथक मेहनत तो परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मनोहर यादव के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी के विकास और गरीब कल्याण के साथ जो इस नेतृत्व ने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाकर का जो विकास की गति की है, ये हमारी ताकत है और भाजपा के संगठन की ताकत ने हर बूथ पर काम करके जो इतिहास बनाया है। मैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और फिर एक बार पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को पूरे देश के अंदर आज बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जनता का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अजय जी। मध्य प्रदेश में जैसे माननीय शिवराज जी ने कहा कि 28 सीटें हम पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष को हम सभी जब से वो अध्यक्ष बने शिवंकर प्रदेश अध्यक्ष हम कहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव जी के बनने के बाद लोकसभा चुनाव में एक जो